हेलो एवरीवन, मैं सोनू बिरुली। मैं आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगा और मुझे आशा है कि आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। और मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आगे बहुत सारा चीज़ें बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। हम लोग अक्सर जानते हैं कि अभी जो फ़िलहाल अभी अगले साल 2025 में 10वीं कक्षा के लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं और इसी से अच्छे मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं और इसका क्या बेनिफिट्स हैं मैथ्स से रिलेटेड में। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग को अच्छे समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा। यहाँ पर लिखे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ पर लिखा हुआ है तीन भुजाओं से घेरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अतः गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाए, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये त्रिकोणमिति मतलब आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है कि त्रि मतलब होता है तीन, जिसमें तीन भुजाओं का बना होता है। जैसे कि ये तीन भुजा, ये तीन भुजा, ये नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। तो कितने भुजा आप लोग को दिख रहा है? ये पहला भुजा ए बी, यहाँ पर लिखते हैं ए बी एक भुजा है, और उसके बाद बी सी ये एक भुजा है, और ऐसी ये एक भुजा है। तो आशा है यहाँ पे आप लोगों का कितना भुजा दिख रहा है? तीन भुजा। तो यही होता है त्रि मतलब तीन भुजा। उसके बाद कोण, इसमें भी बहुत सारा कोण बन रहा है, जैसे कि यहाँ एंगल बी एंगल, जैसे कि बी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ये एंगल का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पर भी एंगल बना सकते हैं एंगल सी है ना, उसके बाद एंगल ए एंगल ए। तो ये सब रहता है त्रिकोण। त्रिकोण हम लोग समझ में आया, त्रिकोण मतलब होता है तीन भुजा, जैसे त्रि एक भुजा ए बी हुआ और दूसरी भुजा हो गया बी सी और तीसरी भुजा हो गया ए सी। तो ये त्रि तीन भुजा। उसके बाद कोण एंगल, एंगल कितना टू है ए बी और ये सी, तीन एंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। उसके बाद मिति मतलब होता है कि इसमें जो पूरा भुजा बना हुआ है इसको पूरा कहना है त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर डिफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा यहाँ पर क्या स्पष्ट रूप से बताया गया है? तीन भुजा से घिरा, तीन भुजा क्या है? ए ए बी बी सी और ए सी, ये तीन भुजा यहाँ स्पष्ट है। घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जैसे ये पूरा घिरा हुआ है ए बी सी, ये तीनों क्षेत्रों को बोलते हैं त्रिभुज। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? अतः गणित की वह शाखा है, गणित मतलब मैथ्स की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करता है। हम बताया था ना आप लोगों को शुरू में, ये तीन कोण दिया हुआ है, इसमें कोणों का अध्ययन करता है एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों कोणों का अध्ययन करता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आई होप लोग आप लोगों को ये त्रिकोणमिति का डिफिनेशन या परिभाषा आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट आगे मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूलाज, जैसे यहाँ त्रिकोणमिति का बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, तो एक एक टू मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आता है बेसिक चीज़ पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच ना, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है एच बटा पी, ठीक है। उसके बाद होता है टेन, टेन थीटा बराबर होता है बी बटा
पी, ठीक है। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट, कोट टीटा, यानी कि पी बटा बी। ये चीज़ समझ में आया? जैसे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, टेन का उल्टा होता है कोट, और टू होता है कोस का, सी ओ एस, कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी। उसी प्रकार से कोस सेक का फॉर्मूला होता है एच बी बटा एच। तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि ये बेसिक चीज़ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, और कोस थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी पी, और टेन थीटा इज इक्वल टू बी बटा पी, और को थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। उसी प्रकार से को थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी, और सेक उल्टा होता है बी बटा एच। मतलब ये सब चीज़ें जो है उल्टा पुल्टा एक्सचेंज होता है। जैसे कि साइन पी बटा एच है, कोस थीटा इसी को उल्टा कर दिया है एच बटा पी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कोसेक में एच बटा पी, यही चीज़ को उल्टा पुल्टा किया। सो टेन थीटा में भी वही प्रकार है, बी बटा पी है, और कोट का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, इसी को एक्सचेंज कर दिया ऊपर नीचे। और कोस का उल्टा होता है एच बटा बी, और सेक का होता है बी बटा एच। तो ये एक टू बेसिक फार्मूलाज हो गया, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद करें, और ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट से। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और एक चीज़ है कि पाइथागोरस प्रमेय। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पाइथागोरस, एक मिनट, यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा फॉर्मूलाज गलती हो गया है, कोई नहीं, चलो ये सब चीज़ें होता है। जैसे कि कोस का फॉर्मूला होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, और सेक का उल्टा होता है एच बटा बी, ये वाला। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पाइथागोरस का बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, तो चलिए देखते हैं। ये हम आप लोगों को बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कि जैसे कि आप लोग हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, उसके बाद फिर आधार हो गया, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए फॉर्मूला कैसे बनता है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें नाम देंगे ए बी और सी। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जैसे कि ये जो आपका नाम भी देना पड़ता है, जैसे ये बी सी एक भुजा है आपका, तो इसमें भी नाम देंगे, और ए बी ये भी आपका भुजा है, और ए सी ये भी एक भुजा है। तो इन सभी का एक भुजा का भी एक नाम होता है। तो जैसे कि ए सी, ए सी का क्या नाम इसको जानते हैं हम लोग, कर्ण के नाम से जानते हैं, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और बी सी को बोलते हैं आधार, बेस बोलते हैं इसको, और ए बी को बोलते हैं कर्ण, सॉरी कर्णी लंब, लंब। जैसे कि यहाँ पर ए बी इसका नाम है लंब, बी सी बोलते हैं आधार, और ए सी बोलते हैं, ए सी को बोलते हैं कर्ण। तो ये सब चीज़ें होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले जैसे कि मान लें हम लोग ए सी को निकालना चाहेंगे, जैसे कि मान लें ए सी का वैल्यू निकालना है, और ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए सी का फॉर्मूला ये होता है, ए सी यानी कि कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है रूट ओवर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, लंबे स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका कर्ण का मान निकल जाएगा आसानी से, कर्ण का फॉर्मूला है कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। अब सेकंड आता है, मान लिया अभी ये कर्ण भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, और आपको बोलेगा लंब निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बराबर रूट ओवर, लंब निकालना है तो आपका कर्ण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और लंब निकालने के बाद, लंब दिया है उसके बाद आप लंब हो रहा है, उसके बाद मान लिया आधार निकालने को बोला है, तो आधार का भी वही फॉर्मूला होगा, आधार बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर माइनस, लंब स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो ये बेसिकली छोटा सा चीज़ है जो कि आपका अभी इस त्रिकोणमेंट्री के चैप्टर में ये चीज़ फॉर्मूला सभी यूज होने वाला है, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय। तो आशा है कि आप लोग इस दो फॉर्मूला समझ में आए होंगे, और छोटा सा है और त्रिकोणमेंट्री के बारे में आप लोगों को अच्छे समझ में आया, और अभी पाइथागोरस के बारे में भी आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज बताएं जो कि छोटा सा चीज़ है, तो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।